हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइट में। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा 5 अक्टूबर को महा मुकाबला। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला जो कि शाम को 7:30 पर शुरू होने वाला भारतीय समय अनुसार। तो दोस्तों यह मुकाबला जो कि शारजहां में खेले जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस में कौन सी टीम है बेहतर और कौन सी टीम जीतने वाली है यूएई में यह महा मुकाबला। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप आईपीएल से जुड़ी और भी खबर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, अभी तक कुल 24 मुकाबला खेला गया है, जिनमें से राजस्थान रॉयल्स ने 11 मुकाबला जीता है और मुंबई इंडियंस ने 12 मुकाबला जीता है और एक मुकाबला जो कि रद्द हो गया है। तो दोस्तों बात करें आखिरी मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था, वह मुकाबला मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेटों से हरा दिया था। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का कंफर्म प्लेइंग 11 की बात करें जो कि उतरने वाली है यूएई में 5 अक्टूबर का। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनर को बात करें तो वहां पर नजर आएंगे लियाम लिविंगस्टन, यशस्वी जायसवाल। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक। तो दोस्तों बात करें पॉइंट्स के दोनों टीमों के ओपनर्स को, तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स को ओपनर्स को देंगे 10 में से 10। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस के ओपनर्स को भी देंगे हम 10 में से 10। वहीं दोस्तों दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर को बात करें तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नजर आने वाले हैं संजू सैमसन, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर में नजर आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और किरण पुलाद। दोस्तों पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर को देंगे 10 में से 9। वहीं दोस्तों हम मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर को देंगे 10 में से 10। वहीं दोस्तों लोअर ऑर्डर की बात करें दोनों टीमों को, तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नजर आएंगे रियान पराग, राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से लोअर ऑर्डर में नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, कॉलिन कोल्टनाइल। दोस्तों बात करें दोनों टीमों को पॉइंट्स के लोअर ऑर्डर का, तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स के लोअर ऑर्डर को देंगे 10 में से 10। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस के लोअर ऑर्डर को देंगे 10 में से 9। वहीं दोस्तों दोनों टीमों के टैलेंटर की बात करें तो वहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नजर आएंगे चेतन सकारिया, कार्तिक त्यागी और मुस्तफिजुर रहमान। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस के टैलेंटर में नजर आएंगे राहुल चौहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। दोस्तों पॉइंट्स की बात करें दोनों टीमों के टैलेंटर का, तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स के टैलेंटर को देंगे 10 में से 9। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस के टैलेंटर को देंगे 10 में से 10। तो दोस्तों बात करें यह मुकाबला आखिर कौन जीत सकता है, तो दोस्तों इस मुकाबला में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स हमेशा से मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स या मुंबई इंडियंस कौन जीतेगा यह मुकाबला, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।